पब्लिक टीवी आपकी आवाज। बाबा नीम करौली आश्रम ट्रस्ट और लोहिया मानव कल्याण ट्रस्ट के तत्वावधान में आयोजित होने वाली कलश यात्रा और श्री हनुमंत कथा एवं दिव्य दरबार का आयोजन को लेकर दिल्ली रोड स्थित व्हाइट हाउस बुद्धि विहार में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री हनुमंत कथा और दिव्य दरबार के आयोजन को भव्य और ऐतिहासिक बनाने के लिए मुख्य यजमान विनीत कुमार लोहिया के द्वारा सभा की अध्यक्षता की गई। उनके द्वारा सभी धार्मिक और सामाजिक संगठनों को सहयोग के लिए कार्यभार की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसके अंतर्गत कलश यात्रा को सुचारू रूप से निकालने के लिए भी व्यवस्था में धार्मिक संगठनों को सहयोग के लिए आह्वान किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पंडाल व्यवस्था, पार्किंग व्यवस्था, खोया पाया व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था, यातायात व्यवस्था, भंडारण, जूते चप्पल व्यवस्था हेतु सभी उपस्थित रहे और सभी को जिम्मेदारियां सौंपी गई। धीरेन्द्र शास्त्री जी के द्वारा 18 मार्च, 19 मार्च और 20 मार्च को होना तय हुआ है। 18, 19, 20 मार्च को दोपहर 2 बजे से हनुमान कथा का आयोजन लोहिया स्टेट नया मुरादाबाद सेक्टर 6 में ये कार्यक्रम संपन्न होगा और इसमें लगभग 2 से 3 लाख लोगों के आने की संभावना है। आयोजन इसमें हनुमान कथा का आयोजन है 18 मार्च, 19 मार्च, 20 मार्च को। 19 मार्च को दिव्य दरबार लगेगा, वो सुबह 9 बजे से 2 बजे तक रहेगा। व्यवस्था के लिए ही आज की मीटिंग रखी गई थी, जिसके अंदर हमारे जो अनिल शर्मा जी हैं, जो नीम करौली बाबा आश्रम ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम का जो आयोजन है वो नीम करौली बाबा ट्रस्ट के द्वारा किया जा रहा है और उसके हमारे अध्यक्ष जो हैं वो अनिल शर्मा जी हैं। इन्होंने पूरी व्यवस्थाएं पूरी तरह बनाई हैं। लगभग 1000 लोग वॉलंटियर इसमें रहेंगे, जो कि इस पूरे कार्यक्रम की व्यवस्था को देखेंगे। वो उनका कार्यक्रम 18 मार्च, 19 मार्च और 20 मार्च का कार्यक्रम आया है। तीनों दिन वो यहीं पर रहेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।